नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दी ऑर्डरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वालों को डिप्रेशन का खतरा 23% तक कम हो सकता है। लॉकडाउन में बिगड़े स्लीपिंग पैटर्न को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। नींद से जुड़ी है मेंटल हेल्थ। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने वालों को डिप्रेशन का खतरा 23% कम हो सकता है। लॉकडाउन में बिगड़े स्लीपिंग पैटर्न को आप कैसे बदल सकते हैं। अगर आप इन दिनों उदासी और तनाव से घिरे रहते हैं तो बस अपने तय समय से 1 घंटा पहले जागना शुरू करें। ऐसा करने से आप खुद को ज्यादा उत्साहित और तरोताजा महसूस करेंगे। जामा साइकेट्री से पता चला है कि सिर्फ 1 घंटे पहले जागने से डिप्रेशन के खतरे को 23% कम तक किया जा सकता है। कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी, MIT और हार्वर्ड के ब्रॉड इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने 8,40,000 लोगों पर स्टडी की है, जिसका रिजल्ट यह बताता है कि रात में सोने और सुबह उठने की आदत डिप्रेशन के खतरे को प्रभावित करती है। लॉकडाउन ने लोगों के स्लीपिंग पैटर्न को बहुत प्रभावित किया है, ऐसे में यह स्टडी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सोने के समय और मेंटल हेल्थ के बीच संबंध है। सीयू बोल्डर के एक असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर राइटर सेलिन वेटर ने कहा कि हम जानते हैं कि सोने के समय और मेंटल हेल्थ के बीच संबंध है। मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या स्लीपिंग पैटर्न को प्रभावित करती है। इसके पहले हुई स्टडी में पता चला है कि जो लोग रात में जागते हैं उनमें डिप्रेशन का खतरा ऐसे लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है जो सुबह जल्दी उठते हैं, फिर चाहे वे कितनी भी देर तक सोए। लेकिन मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी समस्या खुद ही स्लीपिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए रिसर्चर्स को इसके पीछे की वजह जानने में काफ़ी समय लगा। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम अधिकांश लोगों में अलग अलग होती है। जब किसी को जबरदस्ती उसके बॉडी क्लॉक के खिलाफ जाकर देर तक जागने या फिर सुबह जल्दी उठने को कहा जाता है तो उसका भी बुरा असर होता है। शरीर से की गई जबरदस्ती कभी भी फायदेमंद नहीं होती। लोगों को उनकी सर्कैडियन क्लॉक यानी शरीर की जैविक घड़ी के हिसाब से ही चलने दिया जाए तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। ऐसे में अगर देर तक जागने या फिर सुबह देर तक सोने की आदत बदलनी हो तो इसके लिए बॉडी क्लॉक को सुधारना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने खाने पीने को लेकर और वर्कआउट, सोना, जागना, हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। सुबह जल्दी उठने का असर मूड पर भी होता है। कुछ रिसर्चर्स से पता चला है कि जल्दी उठने वालों को दिन के दौरान ज़्यादा लाइट एक्सपोजर मिलता है, जिसकी वजह से हार्मोनल बदलाव होता है और इसका असर लोगों के मूड पर भी पड़ता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दी ऑर्डरिंग। धन्यवाद।